हुगली रिवर के नीचे जो ये टनल बना है, ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है ये। पिछले 9 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के कंप्लीट नेटवर्क को इतना तेजी से आगे बढ़ाया प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कोलकाता मेट्रो पे स्पेशल ध्यान देके जो पहले केवल अनाउंसमेंट्स होते थे और अब एक्चुअल एग्जीक्यूशन पे फोकस है, काम करने पे फोकस है। हुगली रिवर के नीचे जो ये टनल बना है, ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है ये। इस प्रोजेक्ट को रेलवे ने बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान देते हुए, बारीकी से हर चीज़ पे ध्यान देते हुए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। अभी इसके सेफ्टी ट्रायल्स और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है इन अ सेंस, और कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट होता है। और जैसी सेफ्टी, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स लगाए गए हैं, जैसे कि अगर कहीं पे स्मोक है तो स्मोक का डिटेक्शन सिस्टम और उसको कैसे इवैक्यूएट करना, फिर अगर पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करना है तो पैसेंजर्स की इवैक्यूएशन के लिए ये वाला प्लेटफॉर्म, अगर आप वो देखें, ये प्लेटफॉर्म पैसेंजर्स के इवैक्यूएशन के लिए, हर तरीके से हर एक सेफ्टी का जो भी एलिमेंट इसमें लगना है वो सब लगाया गया। सारी चीज़ें जो स्काडा सिस्टम कहते हैं, हम स्काडा सिस्टम पे बेस्ड है, यानी हर एक जगह से, हर एक पॉइंट से डेटा ऑटोमेटिकली आता है, उस डेटा को कम्प्लीटली सिस्टम के अंदर इवेल्यूएशन करके उसके हिसाब से इमिडिएटली बड़ी बड़ी मशीनें वो सब के सब अपने आप एक्शन लेती है। कितने परसेंट, अगर आपने जिस तरह देख रहे, कितना परसेंट काम अभी तक हो चुका है? और एक हिस्टोरिकल एक मूवमेंट होने वाला है, अगर देखा जाए तो कोलकाता को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया जा रहा है रेलवे की ओर से, सर, अगर ये टाइम की। बिल्कुल, पिछले 9 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के कंप्लीट नेटवर्क को इतना तेजी से आगे बढ़ाया प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कोलकाता मेट्रो पे स्पेशल ध्यान देके जो पहले केवल अनाउंसमेंट्स होते थे और अब एक्चुअल एग्जीक्यूशन पे फोकस है, काम करने पे फोकस है, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे तेजी से काम बढ़ाया है। और मुझे आशा है कि ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन का कंप्लीट सीआरएस इंस्पेक्शन और सब हो जाए एक बार, उसके बाद में डेट देनी ठीक रहेगी। लेकिन काम बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हो चुकी है। ये चैलेंजिंग है प्रोजेक्ट, और अपने आप में देखो, ये जो स्टेशन अभी गया उसमें, दैट इज़ द डीपेस्ट स्टेशन इन द कंट्री, 33 मीटर्स, राइट, 33 मीटर्स डीप है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज है। सेकंड, जो रिवर के नीचे का कंस्ट्रक्शन है उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ऊपर से जो सीपेज होती है, उस सीपेज को पूरी तरह से कंट्रोल में किया जाए, उसको मॉनिटर किया जाए कंटिन्यूसली, और उसके हिसाब से टनल बोरिंग मशीन को उसमें मॉड्यूलेट किया जाए, तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखी गई है।